आत्मिक साथी में आप लोगों का स्वागत है। 68वीं बीपीसी जो कि 12 फरवरी को होने वाली है, उसमें बिहार स्पेशल जो काफी आपका रिजल्ट में बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। आप जैसा कि जानते हैं 23-24 या कभी कभी 25 क्वेश्चन जो होता है डिस्क्रिप्टिव बेसिस आता है और लगभग मोर देन 10 आपको करेंट आ जाता है, तो आपको 30+ जो है आपको बिहार स्पेशल इसमें मैटर करता है। तो बिहार स्पेशल को लेकर के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट बेसिस है, जो बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, उसे लेकर के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आ रहे अगला जो सेशन है, ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है, तो अगले सेशन में आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रश्न है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। आप बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, क्योंकि बक्सर का युद्ध बिहार ही नहीं भारत में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना करने में बहुत बड़ा फैक्टर था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बिहार में हुआ था और ये इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में जो शासन का था उसमें उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो इसके बाद बक्सर का युद्ध जब हुआ, तो बक्सर के युद्ध के बाद जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था, आपको पता है किसके किसके बीच हुआ था। हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से थे, हेक्टर मुनरो और वर्सेज, इधर से कौन कौन थे, मीर कासिम बंगाल के थे नवाब मीर कासिम, दूसरे थे शुजाउद्दौला अवध के नवाब शुजाउद्दौला, तीसरे कौन थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और इधर से मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे, तीन इन लोगों ने बक्सर का युद्ध लड़ा था। तो इसके बाद हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी है जो उड़ीसा की दीवानी चली गई ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ये है जो शाह आलम द्वितीय कौन थे, उस टाइम के मुगल सम्राट थे, उस टाइम में भारत में मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। तो उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी मिला, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को क्या क्या दिया, शाह आलम द्वितीय को 26 लाख का पेंशन दिया था, 26 लाख का, और साथ में 56 लाख, ये आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, निजामत के लिए दिया था। और एक और फैक्ट है आपको, ये है जो इसके कार्यालय को मुर्शिदाबाद से पटना लाया गया था। अब बीपीएससी के लिए अच्छा एक और चीज हुआ था, द्वैध शासन यहीं से स्टार्ट हुआ था, द्वैध शासन बिहार और बंगाल को के लिए हुआ था। तो आपको बता दे रही हूं, बंगाल में है जो मोहम्मद रजा को दिया था, मोहम्मद रजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। बिहार में उस टाइम पे कौन थे आप बताइएगा, बहुत ये बीपीएससी क्वेश्चन कर चुका है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगले कुछ प्रश्न भर आते हैं, दानापुर छावनी बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1857 दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था, बताइए कब विद्रोह किया था, सोचिए 20 जुलाई 1857। आप अक्सर देखते होंगे एक ना एक क्वेश्चन आपको डेट से रहता है, 20 जुलाई 1857, 25 जुलाई 1857, 12 जुलाई 1857, 30 जुलाई 1857। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि 1857 का विद्रोह जो है कहाँ से, देवघर के रोहिणी से स्थान से स्टार्ट हुआ था। तो कब स्टार्ट हुआ था, 12 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था, 12 जून 1857 को हुआ था। उसके बाद पटना में हुआ था 3 जुलाई, पटना में कब हुआ था,
तीन जुलाई को हुआ था। 12 जून को 32वीं रेजिमेंट ने किया था विद्रोह को दबा करके उन लोगों को भागलपुर में ले आया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1857 की क्रांति बीपीएससी के लिए हिस्ट्री में, और आप स्पेशली आपको मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत वैल्यू देता है बीपीएससी। तो आपको बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री हो या नेशनल मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो आपको 1857 की क्रांति स्पेशली दानापुर वीर कुंवरजी वाली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लगभग बार आता है इससे क्वेश्चन। तो 3 जुलाई को पटना में होता है, पटना में नेतृत्व करते पी रली। अब उसके बाद दानापुर छावनी में कब विद्रोह किया था ये डेट बताइए, ये था डेट 26 जुलाई 1857। डेट याद करके जाइएगा। नेतृत्व किसने किया था, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था, नंगी हड़ताल का कब, नंगी हड़ताल बिहार की किसी जेल में हुआ था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार के लिए हुआ था, क्या हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग जान रहे होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे, गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, गांधी जी की गिरफ्तारी हुई तो सारण है, सारण में क्या हुआ, जेल में वहां के जो कैदी थे उन्होंने कहा कि हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते हैं, तो स्वदेशी वस्त्रों के लिए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार के लिए स्वदेशी वस्त्रों के लिए उन्होंने, स्वदेशी वस्त्रों के लिए उन्होंने नंगी हड़ताल किया था, नंगी हड़ताल किया था 4 मई 1930 को किया था, 4 मई 1930 को किया था, कहां, सारण में, छपरा सारण याद रख लीजिए, नंगी हड़ताल सारण में कब हुआ था, 4 मई 1930 क्यों हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था, उसका कारण क्या था, उन्होंने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्त्रों के लिए किया था। एक एक फैक्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोगों ने आप लोग को बता दिया, आप लोग ये सारे फैक्ट याद करके जाइएगा। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, सरकार का प्रधान कौन थे, बिहार के पहले या देश के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जल्दी बताइए, श्री कृष्ण थे, सिद्ध थे, मोहम्मद यूनुस थे, मजहरुल हक थे, कर्पूरी ठाकुर थे, कौन थे, ठीक है बता देती, मोहम्मद यूनुस थे, बिहार के ही नहीं देश के, भारत के पहले प्रांतीय प्रधानमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री पद का सृजन नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ था 1937 में जब चुनाव हुए तो बिहार में कांग्रेस को बहुमत मिली थी, लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया, जब सरकार बनाने से श्री कृष्ण सिंह ने मना कर दिया तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट पार्टी, इनका दल याद रख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट दल के थे मोहम्मद यूनुस, उन्होंने सरकार बनाया, कुछ ही दिनों तक रहे, उसके बाद 1939 तक सरकार रहा, उसके बाद कुछ ही महीनों तक रहे, उसके बाद कांग्रेस ने फिर से सरकार बना ली, और 1939 के बाद वो भी सरकार गिर गई, उसके बाद डायरेक्ट आज़ादी के बाद 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ, 1937 के डायरेक्ट बाद 1952 में हुआ, तो 1937 में प्रधानमंत्री पद का सृजन में मोहम्मद यूनुस बने, कुछ महीनों तक रहे, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बन गए बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह किस दल से थे बताइए, श्री कृष्ण सिंह किस दल से थे, हर क्वेश्चन में एक एक अलग से फैक्ट है, और आप लोग जुड़े रहिए, जितना आंसर दीजिएगा उतना आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग का भी वो फैक्ट याद होगा। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, अब एक फैक्ट हो गया, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ, 1934, कहाँ हुआ, पटना में हुआ, पटना में भी कहाँ हुआ था ये, पटना में कहाँ हुआ था ये, पटना कॉलेज के पास हुआ था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले बता दे रहे, इसकी स्थापना किसने की थी, जय प्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद
वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था, इन दोनों ने स्थापना किया था। तो आपको एक और फैक्ट हो गया, स्थापना कब हुआ था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 कहाँ हुआ था, पटना में, किसने किया था, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे आप, इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और उसके महासचिव थे, जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। यहीं पर सबसे पहली बार इस पार्टी का दल का स्वागत कॉमरेड शब्द से हुआ था, कॉमरेड, कॉमरेड सोशलिस्ट पार्टी है तो कॉमरेड से बहुत बड़ा जुड़ाव लगता है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 ईस्वी में पटना प्रकाशित हुई थी, बिहार का पहला समाचार पत्र 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुई थी, उसका नाम क्या था, बिहार बंधु, बिहार बंधु। इसके संपादक थे केशव राम भट्ट। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आप बताइए कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था। प्रश्न ऐसे आते हैं इसलिए पूछ, आप लोगों को इस तरह का प्रश्न का भी से हैबिट दिया जा रहा है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कोई हेजिटेशन ना हो, हर प्रश्न को आप शॉर्ट आउट करके जाइए। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था, 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था, विलियम टेलर। इसी ने बोला था, विलियम टेलर ने ही बोला था कि जो 1857 की क्रांति है, उन्होंने ये वीर कुंवर सिंह के बारे में बोला था कि बहुत बृहद स्तर पे बढ़ रहा है ये, एक स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा ये बन चुका था इसके बारे में। तो पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था, बिहार के किस स्थान से शुरू किया था, चंपारण बेतिया पटना सासाराम, चंपारण बेतिया पटना सासाराम, पहला सत्याग्रह कौन सा था, हो सकता है क्वेश्चन ये आए, तो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था जिसके बारे में जिसके लिए है जो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया था बिहार में, तो किस स्थान से गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था, वो था चंपारण। 9 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक कोलकाता से गांधी जी पटना आए थे और गांधी ये पटना लॉन है जिसे पटना लॉन गांधी मैदान आज के टाइम में जाना जाता है, इसी टाइम पे महात्मा गांधी वहां गए थे और बहुत बड़ी संख्या में भीड़ गई थी, उसी कारण से उसका नाम गांधी मैदान भी पड़ गया क्योंकि उस टाइम तक किसी भी भारतीय की एंट्री वहां अलाउड नहीं थी, तो पटना लॉन का आज के टाइम पे हो गया। तो यहाँ 10 अप्रैल को पटना में गांधी जी आए, पटना से होते हुए मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर से होते हुए चंपारण गए थे, वहां पे किसानों की जो दुर्दशा थी उसका निरीक्षण किया था और उस दौरान क्या हुआ था कि उनके ऊपर धारा 144 भी लग गया था। तो उन्होंने अब ये सत्याग्रह से आप समझ सकते क्या हुआ, जब उनके ऊपर धारा 144 लगा तो उन्होंने मान लिया कि हाँ मैंने गलती किया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वित्त कारण बताया और कहा कि मैं आज अभी भी प्रोटेस्ट करूंगा, तो वो सत्याग्रह का एक प्रकार था। तो प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां से प्रारंभ किया था भारत में कह सकते हैं, तो ये चंपारण से ही था। कमेंट सेक्शन बताइएगा कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहां किया था, नॉट ओनली अबाउट इंडिया और बिहार, इट्स ऑल अबाउट पूरा वर्ल्ड का आप बता सकते हैं। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अब बाकीपुर अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन, बाकीपुर कहाँ है, पटना में, तो इसकी अध्यक्षता किए थे आर.एन. माधोलकर, ऑप्शन ए आर.एन. माधोलकर और चित्तरंजन दास ने गया अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, 1908 में कहाँ हुआ था, बिहार प्रांतीय अधिवेशन क्या होता था,
कि जो कांग्रेस में प्रतिनिधि जाते थे, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन होता था, तो उसमें जाने वाले जो प्रतिनिधि होते थे उनके लिए एक सम्मेलन होता था। तो बिहार में पहला सम्मेलन 1908 में हुआ था, पटना में हुआ था, पटना में हुआ था 1908 में। इसके जो अध्यक्ष थे सैयद अली इमाम थे। अब एक और इससे क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन पटना में हुआ था कहाँ जाने के लिए हुआ था? मद्रास में उस साल जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहां पे बिहार के कौन कौन से प्रतिनिधि जाएंगे इसको लेकर के सम्मेलन हो रहा था। ऐसा नहीं है कि सम्मेलन में सारे लोग जा सकते हैं। दूसरा हुआ था भागलपुर में, यहाँ पे सेकेंड हुआ था। ये था फर्स्ट, ये था आपको सेकेंड। आते हैं अगले प्रश्न पर। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासन में काल में हुआ था? बख्तियार खिलजी कौन था? बिहार में तुर्की आक्रमणकारी था। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? गोपाल कौन था? पाल वंश का संस्थापक था धर्मपाल, देवपाल, इंद्रधूम पाल। तो इसका जो सही उत्तर है इंद्रधूम पाल। लगभग आपको 1197 से लेकर के 1203 तक है जो बख्तियार खिलजी रेगुलरली बिहार पर हमला करते रहा। सबसे पहले वो मनेर में आया था और मनेर से उसने प्लान बनाया और मगध में प्रारंभ किया। और उस टाइम पे ओदंतपुरी जो है वर्तमान बिहार शरीफ में हमला किया था। और ये जो है 1800 ये जो सबसे पहला हमला ओदंतपुरी में ही था। उसके बाद और भी किया, बहुत विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय सबको बर्बाद कर दिया था। तो ये है जो इंद्रधूम पाल के समय हुआ था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल वंश के बाद कौन आया था? सेन वंश। पाल वंश के लोग क्या मानते थे, किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म का कौन सा ये था? बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय को ये मानते थे। अब जो ये हमला करता है, हमले के बारे में किसी पुस्तक में वर्णन है। उस पुस्तक का नाम है तबकात-ए-मिन्हाज उस सिराज। इसका जो राइटर है सिराज वो है तबकात-ए-नासिरी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश किस वंश का था? कमेंट में बताइए इल्तुतमिश किस वंश का था, किसके बाद आया था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था। इतना तो बता दे रही हूँ, अब बताइए किस वंश का था। मतलब ये कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश किस वंश का था ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश आप जान रहे दिल्ली सल्तनत का बहुत महत्वपूर्ण शासक रह चुका है। तो ये है जो बिहार के पर किसे पराजित कर बिहार पर है जो अधिकार किया था, ये है जो हिसामुद्दीन एवाज खिलजी को पराजित किया था। और मल्लिक अलाउद्दीन जिन्हें को बिहार का प्रमुख नियुक्त किया था। तो ये देख रहे हैं कि इल्तुतमिश ने तो प्रारंभ कर दिया था बिहार में अपने शासन में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लाने में, लेकिन मुख्यतः आप देख सकते हैं बिहार पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत के अधीन आया था तुगलक वंश के शासन काल में। तो ये बताइएगा इल्तुतमिश किस वंश से था। हर क्वेश्चन में क्वेश्चन आ रहा है बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बताइए।
दाऊद खां कररानी था। सबसे पहले बिहार में अफगान शासन है जो नुहानी वंश से स्थापित हुआ था, जिसको सिकंदर खां लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रमुख बनाया था। लेकिन उसके बाद आप जान रहे हैं अफगान का जो बिहार में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, और शेर शाह सूरी जो सिर्फ बिहार में ही नहीं देश भर में, दिल्ली में भी कुछ सालों तक शासन रहा, तो वो भी अफगान ही के शासक थे, तो उन्होंने शासन किया था। तो अंतिम था दाऊद खान कररानी, ये पश्चिम बंगाल का शासक था। आईने अकबरी बताइए किसने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईने अकबरी में के अनुसार बिहार के कितने सूबा सरकार में विभक्त था, आईने अकबरी किसने लिखा है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईने अकबरी में बिहार में कितने सूबा और सरकार का में विभक्त था, यह प्रांत भी आप सोच सकते हैं कितने प्रांत में विभक्त था। आईने अकबरी में अकबर के काल में बिहार कितने प्रांत में विभक्त है ये पूछ रहा है, तो ये जो टोटल सात सूबा या सरकार में विभक्त था। और उसके बाद औरंगजेब आया था, औरंगजेब के टाइम पे एक और फैक्ट आ जाएगा, औरंगजेब के टाइम में 8 सूबा या प्रांत में विभक्त था। आईने अकबरी अकबर के काल में लिखा गया था, तो उस टाइम पे 7 था, औरंगजेब के टाइम पे 8 हो गया था। तो आप बताइए आईने अकबरी किसने लिखा था, बहुत ये प्रमुख राइटर है, अकबर के दरबार में भी रहता था। अगला प्रश्न, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कहाँ हुआ था, बिहार विद्यापीठ कहाँ है, पटना में है, तो इसका स्थापना हुआ था 6 फरवरी 1921 में। कौन कौन किए थे, मजहरुल हक ने किया था और राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो इसके कुलपति कौन थे, मजहरुल हक थे और प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी के साथ इन लोगों ने मिलकर के बनाया था। मजहरुल हक थे कुलपति, मजहरुल हक थे बिहार विद्यापीठ के, और प्राचार्य थे राजेंद्र प्रसाद, और उप कुलपति थे ब्रजकिशोर प्रसाद। तो स्थापना हुआ था बिहार विद्यापीठ का 6 फरवरी 1921 में, कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। अगले प्रश्न पर आ रहे हैं, बिहार में विदेह राज में आर्यों के आगमन का तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है, ये है जो शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है कि विदेह माधव अपने पुत्र गौतम गुना के साथ है, जो सदानीरा नदी को वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, वहां तक आग को लेकर के आर्यों का पीछा करता है। तो वहीं पर से आर्य का वर्णन मिलता है, कहा जाता है कि ईरान से जो आर्य भारत में आए थे, तो इसका जो वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद का वर्तमान में बिहार में स्थित है, बताइए कितने हैं, टोटल 3 है। अब 16 जो महाजनपद हैं, इनका वर्णन है जो बौद्ध धर्म का पुस्तक है आगुंतर निकाय में कहा गया है कि 16 महाजनपदों का वर्णन है, उसमें 3 बिहार में, कौन कौन है, अंग की राजधानी चंपा कहाँ पर है, भागलपुर और मुंगेर के आसपास है, मगध की राजधानी पहले तो गिरिब्रज थी और बाद में पाटलिपुत्रा हो गई थी। एंड द थर्ड वन इज, तीसरा कौन है, तीसरा है जो वज्जी संघ था, वज्जी संघ
वज्जी संघ की राजधानी, वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली, वज्जी संघ की वैशाली थी राजधानी थी वैशाली। ये आठ राज्यों का संघ था, टोटल आठ राजाओं का एक तरीके से कह सकते हैं ये संघ था, वज्जी संघ। तो ये पहला गणतंत्र भी था, इसकी राजधानी। तो तीन महान जनपद है जो बिहार में थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था। मगध जो है वो एक टाइम पर बहुत ही प्रभावशाली और प्रभुत्व वाला ये शासन था। तो इसका जो उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था, अजात शत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार, उदयन। आप देख रहे होंगे चारों के चारों एक ही वंश से हैं। कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश। तो हर्यक वंश से चारों के चारों हैं। लेकिन आप लोग जान रहे होंगे मगध का स्थापना तो हर्यक वंश से पहले हो चुका था। किसने किया था? बृहद्रथ वंश में ने किया था, बृहद्रथ वंश में हुआ था, स्थापना किया था चेदी राज वसु किसके पिता थे? जरासंध के पिता थे। लेकिन स्थापना तो उन्होंने किया था, लेकिन उत्कर्ष किसके समय शुरू हुआ था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंदुसार, बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था। बिंदुसार यहाँ पे दिया हुआ, बिंदुसार तो इससे था ही नहीं, तो मौर्य वंश से था। बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। और हर्यक वंश में टोटल छह राजाओं का शासनकाल रहा है, और छह राजाओं का शासनकाल रहा। इसका स्टार्ट तो बिंबिसार और बिंदुसार प्रोनंसिएशन सेम हो रहा है, ये गलती मत करिएगा। मौर्य वंश का था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और अशोक महान के पिता थे बिंदुसार। तो बिंबिसार स्थापना किया था हर्यक वंश का। अंतिम कौन था? कमेंट सेक्शन बताइए हर्यक वंश का कौन सा था, और इसके बाद किस वंश की स्थापना हुई थी। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश का स्थापना हुआ था? क्या मौर्य वंश था? आप बताइए कमेंट सेक्शन में। एक और इससे संबंधित प्रश्न है, बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है, श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। और एक इससे बड़ा एक और फैक्ट है, बिंबिसार ने जो अपना राज्य था, राज्य का विस्तार का एक और तरीका निकाला था। इन्होंने विवाह के द्वारा, जो विवाह होता है, विवाह के द्वारा इन्होंने राज्य का विस्तार किया था। तो तीन विवाह इन्होंने किया था ताकि इनका राज्य का विस्तार हो। पहला कौन सा था? पहला इनका था महाकोशला देवी। कहाँ से थी ये? कौशल की नरेश की प्रसंजीत की बहन थी। दूसरी थी चेलना थी, चेटक की बहन थी, ये चेटक की पुत्री थी। और तीसरी थी क्षेमा के पंजाब की राजकुमारी थी। इस प्रकार बिंबिसार ने अपने राज्य का जो क्षेत्र था उसका विस्तार किया था, क्योंकि जिस जगह में उनका विवाह हुआ तो वहाँ का कुछ क्षेत्र मिला, या फिर क्षेत्र ना भी मिला हो वैसे तो वहाँ पर वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उस पर आक्रमण नहीं किया, और कोई और आक्रमण करे उससे सुरक्षा प्रदान की थी। तो उत्कर्ष इसी दौरान प्रारंभ हुआ था हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार जो है, जो 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक शासन पे रहे थे, मगध के शासन में। अगला प्रश्न, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता? मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों बीपीएससी के लिए। मौर्य काल का प्रशासन, मौर्य काल का स्थापत्य प्रशासन के अलावा और भी जो कला, संस्कृति, साहित्य, जितनी भी चीजें हैं, या प्रशासक, शासक, सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा होती है, संभावना कि आएगी ही। तो मौर्य काल से रिलेटेड जितना भी फैक्ट होगा आप बिफोर एग्जामिनेशन देख करके जाइएगा। तो मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है बताइए? रुपया था, प्रणय था, पन था, या
चंद्र था, तो इसका जो उत्तर है सही उत्तर पन पन था। तो एक और इससे रिलेटेड और फैक्टर, इसमें जो सिक्के थे, सिक्के जो चलते थे मौर्य काल में, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, निस्क, सुवर्ण। इनकी जो इकाई होती थी 3/4 तोल होती थी। अब देखते चांदी के जो सिक्के होते थे, चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, कासा, कारसा पन होता था। और तांबे के सिक्के होते थे, सोना का भी सिक्का चलता था, ये मत सोचिए कि सोना का सिक्का नहीं चलता था, अगर हो सके इलिमिनेट करने को दे दो तो आप सोना इलिमिनेट कर मत कर दीजिएगा। तो तांबा का जो सिक्का होता था उसे मासक या काकनी कहा जाता था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, बीसी प्रश्न होगा, क्योंकि आगे दूसरे वीडियो में, दूसरे सेशन में आगे पूरा करवाया जाएगा। और गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यमनों का आक्रमण का उल्लेख किसके शासनकाल में होता है? गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रों पर यमनों का आक्रमण का उल्लेख किसके शासनकाल में हुआ था? ये थे कनिष्क थे क्या, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, वसुदेव। तो ये पुष्यमित्र शुंग थे, ब्राह्मण वंश का स्थापना इन्होंने ही किया था। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। तो इस आक्रमण का जिक्र सिर्फ गार्गी संहिता ही में ही नहीं है, गार्गी संहिता के अलावा मालविका ने मित्र था जो कि कालिदास का लिखा हुआ पुस्तक है, उसमें भी लिखा हुआ है, कालिदास ने लिखा है। पतंजलि, बताइए पतंजलि किसने लिखा है? इस तरह के प्रश्न आते हैं, पतंजलि किसने लिखा है ये बताइएगा, ये आप लोग के लिए प्रश्न है। उसके बाद इसमें भी लिखा है, और उसके बाद गार्गी संहिता में भी है। और जो आक्रमण किया था, आक्रमण किसने किया था वो नाम इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं लिखा गया है डेमेट्रियस है, या फिर कहीं कहीं उसे मेनांडर के रूप में जाना गया है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं बीपीएससी में, और बहुत संभावना है कि इन चैप्टर से आएंगे ही, बहुत ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड हम लोग क्लास में वीडियोज बना रहे हैं, आप उनसे रिलेटेड और भी फैक्ट पढ़ लीजिएगा अपने स्तर पर। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको लेकर के जो कॉन्सेप्ट होगा उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स साथी से जुड़ने के लिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो पर।